आपको इसकी क्रिस्पीनेस चेक कराती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट इजी चिकन सैंडविचेस। बहुत ही क्रिस्पी होते हैं ये। और सबसे पहले हमने क्या किया है कि चिकन जो है बोनलेस चिकन लिया है, उसको हमने बॉईल कर लिया है और अभी हम इसको मैश कर लेंगे। अभी हम इसके रेशे रेशे कर लेंगे। और उसके लिए एक टिप ये है आज की कि इसको हम ऐसे टिप करेंगे, फैला लेंगे इसको पहले शेल्फ पे और उसके बाद हम इसको यूं करेंगे ऐसे, तो ये बहुत ही आराम के साथ, ये देखें ऐसे करेंगे तो ये। चिकन हमने श्रेड कर दिया है, अभी हम इसको निकालेंगे एक बाउल में। मसालों में इसमें जाएगा, चिकन को हमने नमक डाल के बॉईल किया था इसलिए अब इसमें नमक कम डालेंगे। इसके अलावा इसमें जाएगी 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून काली मिर्च और ये 1/2 टीस्पून के जितना नमक हम मज़ीद इसमें डाल देंगे। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हमने ये इसमें होममेड मेयोनीज डाल देनी है। थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे जितनी ज़रूरत होगी, ज़्यादा अगर डल गई तो इससे क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और सैंडविचेस में टिकेगा नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हमारी रेडी हो चुकी है, अभी हम इसको करेंगे एक साइड पे। अभी हमें चाहिए ब्रेड, इसके हमने किनारे उतार लेने हैं। और इन किनारों को ज़ाया नहीं करना, इसके बनाएंगे हम ब्रेड क्रम्स। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी जो कि बहुत ही यूज़फुल है। जब भी आप इस तरह से सैंडविचेस बनाएं, ब्रेड कटिंग करके रखें, तो उसको ऐसे बिल्कुल मत रखें। ये मेरे से गलती हुई थी, मैंने ब्रेड को ऐसे ही रख दिया था तो ब्रेड ड्राई हो गई। हालांकि मुझे इसको टॉवल, किचन टॉवल या फिर जो दस्तरखान होता है हमारा, उसको गीला करके अच्छे से निचोड़ के तो उसके अंदर ब्रेड को रखना चाहिए था, ताकि ब्रेड जो थी वो मॉइस्ट रहती और ड्राई ना होती। इस तरह से क्या होता है, ब्रेड जब हम रख देते हैं तो हवा के साथ जो ब्रेड है वो बुरबुरी सी हो जाती है और पकड़ने से फिर वो टूटती है। ये देखिए जी, ये ब्रेड हम साइड में कर देंगे और मज़ीद ब्रेड बना लेते हैं। और इन किनारों को हम डालेंगे एक मसाला ग्राइंडर में, जिसमें हम मसाला पीसते हैं। और हम इसको ब्रेड क्रम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ब्रेड क्रम्स भी हमने रेडी कर लिए हैं और अब एक तीसरी चीज़ रह गई है, वो भी हम रेडी कर लेते हैं। अभी हमें एक खुली सी प्लेट में लेना है दही, इसको हम थोड़ा सा फेंट लेंगे। दही को फेंटने के बाद अभी मैं इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे वो अच्छे से ब्रेड के साथ चिपक जाएंगे और इसके बाद जो आउटसाइड है उसकी सैंडविचेस की, वो काफ़ी क्रिस्पी बनेगी। दही का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि दही जो होता है वो बजाते खुद बहुत गाढ़ा होता है
और जो हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालते हैं इससे और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो ब्रेड जब हम इसमें डिप करते हैं तो ब्रेड नरम नहीं होती। अभी हम इसको साइड में कर देते हैं और ब्रेड और सैंडविचेस को रेडी करते हैं। पहले हम सारे इसी तरह से ब्रेड में फिलिंग करके सैंडविच बना के रख देंगे, और इस तरह से आप गीला टॉवल लें और उसको अच्छे से निचोड़ के उसके अंदर इसको सेव करके रखते जाएं। उसके बाद हम डिप करेंगे, और जैसे जैसे डिप करेंगे वैसे वैसे हम साथ साथ फ्राई करेंगे। ये नहीं करना कि डिप करेंगे और उसको रख लें, एक साथ सब डिप करके रख लें और उसके बाद फ्राई करें, ऐसे जो है ब्रेड वो ख़राब हो जाएगी। इस तरह से आप इनको कवर कर लेंगे, और दो स्लाइस हमारे पास बन गए हैं, दो सैंडविचेस। अभी क्या करेंगे, इसको डिप करेंगे दही की स्लरी में, और उसके बाद डिप करेंगे हम इसको ब्रेड क्रम्स के साथ, और उसके बाद हम करेंगे इनको फ्राई। फ्राई हम इसको करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर, ना ही ज़्यादा आस्ता आंच रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ आंच रखनी है। इसी तरह से बाकी सब सैंडविचेस को भी डिप एंड कोट करेंगे, और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल जैसे बेकरी में होते हैं वैसे ही बनते हैं ये। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। हाँ, आप दही में अंडा डाल लें तो ऑयल कंजम्पशन जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो ये देखिए, आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आए। नेक दो में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।